नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ा, केरल की वायनाड सीट और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अमेठी सीट से हारने के बाद वह वायनाड के सांसद थे और फिर से 2024 में वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पहुंचे, बड़ी जीत दर्ज की और उसके बाद रायबरेली से भी उन्हें जीत नसीब होती। ऐसे में राहुल गांधी ने यह फैसला किया कि अब वायनाड सीट को छोड़कर के रायबरेली की जनता की यहां पर आवाज को उठाया जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ा ऐलान भी कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। आगामी वक्त में होने वाले वायनाड सीट पर लोकसभा उपचुनाव के दौरान प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से वह सक्रिय रही हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक घटनाओं का जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर था। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी देश भर में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को भी समर्थन करती हुई नजर आती रही है। लेकिन इस बार उनका राजनीतिक डेब्यू होने जा रहा है। प्रियंका गांधी पहली बार अपनी जीवन का लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और वो भी केरल की वायनाड सीट से। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने से पहले कांग्रेस पार्टी ने ऐलान करते हुए कहा है कि वायनाड सीट हमारे परिवार की सीट है और ऐसे में हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी अपने राजनीतिक जीवन की वहां से शुरुआत करें। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी जमकर जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, इसके साथ साथ उनके कयास ये लगाए जाने लगे कि या तो अमेठी या फिर रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए। लेकिन वहां रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जबकि अमेठी सीट से केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को मैदान में उतारा और उन्होंने स्मृति ईरानी को जबरदस्त पटखनी देते हुए ये सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल दी। लेकिन अब प्रियंका गांधी लगातार वायनाड के लोगों से मुलाकात कर रही है, कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर रही है और इसके साथ साथ ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे चुनौती दे पाए तो फिर वायनाड से लोकसभा का उपचुनाव लड़े। यानी कि लड़ाई काफी तीखी होने वाली है। आगामी वक्त में यहाँ पर मुश्किलें प्रियंका गांधी बढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं। प्रियंका गांधी की इन कोशिशों के चलते आखिरकार किस तरीके से आगामी वक्त की रणनीतियां तैयार कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो वायनाड सीट प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट मानी जा रही है और यहां से जीत दर्ज करने में यदि कामयाब हुई प्रियंका गांधी तो फिर देश की संसद में मोदी सरकार के लिए विपक्ष में बैठते हुए बड़ी मुश्किलें भी खड़ी करती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।